आज का सेशन जो है हमारा हाउ टू अपलोड द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। जब भी सेशन क्लोज होता है तो सेशन, अगर सपोज दैट आपने 23-24 सेशन आपका क्लोज हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, 24-25 जो सेशन स्टार्ट होगा, तो 23-24 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 24-25 के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस में आएंगे आपके जितने भी जनरल लेजर अकाउंट है उसके बैलेंस आएंगे, कस्टमर के बैलेंस आएंगे, उसके बाद आपके वेंडर क्रेडिटर डेटर, आपके क्रेडिटर हो गए वेंडर, उसके बैलेंस आएंगे, डेटर हो गए कस्टमर, उसके बैलेंस आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका स्टॉक अकाउंट बैलेंस आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती हैं। ठीक है, तो वो सब कैसे डालते हैं इसको देखते हैं। मैंने सर ये पासवर्ड चेंज किया था क्या, एबीसी डाला याद रखिएगा, इसका पासवर्ड है श्री जी का ए कैपिटल में बी सी ए बी सी डी एट द रेट 1234। तो अगर कभी मेरे माइंड से निकलेगा तो आपको ध्यान रखिएगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा प्रीवियस सेशन का वही क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस में आप क्रेडिटर का बैलेंस होगा, डेटर का बैलेंस होगा, उसके बाद आपका डिफरेंट डिफरेंट जीएल अकाउंट बैलेंस होगा, और जीएल अकाउंट में एक स्टॉक बैलेंस भी होंगे। ठीक है, तो ये सारे बैलेंस हमें डालने होते हैं टू स्टार्ट द ट्रांजेक्शन। स्टार्ट करने ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम में ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस डालेंगे कैसे, तो आपको ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको जितने भी कस्टमर है और वेंडर है उसके लिस्ट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पहले तो आप लॉग इन कर लीजिए सिस्टम में। और इसमें आप लिखिए ओपनिंग बैलेंस, जैसे ही आप सर्च करेंगे आप लिखिए ओपनिंग, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस का इन्वेंट्री, ओपनिंग बैलेंस डीएल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये सारे आते हैं बिजनेस पार्टनर ओपनिंग बैलेंस। तो अगर आपको बिजनेस पार्टनर साइड का क्रेडिटर और डेटर का आपको बैलेंस डालना है, सपोज दैट इसमें ओनली कस्टमर का डालना है, तो आप इसको नन कर दीजिए। ठीक है, इसको कर दिया। अब इसमें ब्रांच कौन से ब्रांच है, तो ब्रांच आप इसको सेलेक्ट कर लिए, श्री जी हमारा एक ही ब्रांच चल रहा है, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके करेंगे, तो जितने भी हमारे कस्टमर है उसके यहाँ पे ये सीट ओपन होके आ जाएंगे। ये हमारे कस्टमर है, जितने भी कस्टमर हैं उसके आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टेम्पलेट को राइट क्लिक करेंगे, कॉपी टेबल करेंगे, कॉपी टेबल करने के बाद इसको हम कहाँ ले आएंगे, एक्सेल में ले आएंगे। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको टेम्पलेट। तो हमें क्लाइंट क्या करता है, कस्टमर जो होता है, जो हमारा यूजर है, वो हमें देता है बैलेंस कि ये हमारा इस कस्टमर का इतना डेबिट बैलेंस है, आप इसको चढ़ा दीजिए। ठीक है, क्रेडिट डेबिट जो भी बैलेंस, जनरली डेबिट ही होता है क्योंकि डेटर है तो डेबिट बैलेंस होगा, तो वो देता है हमें बैलेंस कि ये सारे बैलेंस है आप इसको डाल दीजिए सिस्टम में। ठीक है, एक मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, जो एक्चुअल में एग्जिस्टिंग क्लाइंट का है उसका मैं दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा एक्चुअल कैसा होता है ओपनिंग बैलेंस और कैसे हम लोग क्या करते हैं। मैं प्रैक्टिकली जो बता रहा हूँ एक्चुअल में ऐसे ही डालते हैं हम लोग सिस्टम में, बस आपको डेटा मैं वो दिखा दूंगा कि कैसे देते हैं क्लाइंट, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, इस सीट को यहाँ पे लाया जो हमारा सिस्टम में है। हम लोग क्या करते हैं, इसी टेम्पलेट सीट को कस्टमर जो हमारा यूजर है उसको सेंड कर देते हैं। हम बोलते हैं कि इसी में हमें जो भी बैलेंस है तुम्हारा उसमें इसमें डाल के दो, इसमें उसको ये जो आप देख रहे हैं बैलेंस शीट एफसी ये सब नहीं बनाते हैं हम क्या करते हैं, इसमें इसको कर देते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट। ठीक है, और इसको कर देते हैं डेबिट वाले। ये करके हम क्लाइंट को दे देते हैं, भाई जो भी यूजर है अकाउंट वाले को देते हैं, बोलते हैं उसको कि भाई तू मेरे को इसमें बैलेंस डाल के दे दे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे हाईलाइट करके और मैं उसे दे देता हूँ कि भाई मेरे को बस ये जो आपके क्रिएटर है कस्टमर सॉरी डेटर है इसके बैलेंस मेरे को दे दो। ठीक है, वो क्या करेगा, अगर उसका बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट है, डेबिट है तो डेबिट साइड में वो डाल देगा।
है, यहाँ पे बस इतना ही करेगा वो। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअल में हमें क्लाइंट से मिलते हैं सीट, वो कैसे मिलते हैं। हम लोग पहले टेम्पलेट देते हैं और इसी टेम्पलेट में वो क्या करते हैं, हमें बैलेंस डाल के देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस का ये टेम्पलेट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस का ही है, तो आपको मैं दिखाता हूँ टेम्पलेट। ये बैलेंस आया हुआ था हमारे पास जो एक्चुअल में किसी कस्टमर का है, उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ट्रायल बैलेंस है ना, ये कस्टमर का, ये क्लाइंट का है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर है, तो उसका ये बैलेंस है आपका, ये ओबी बैलेंस है। ओबी बैलेंस करने का मतलब कि डेबिट माइनस क्रेडिट बैलेंस है, ये कंसोल करके सिस्टम से निकला हुआ है, ठीक है। ये जो क्लाइंट देता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हमने ट्रायल बैलेंस निकाला है वो है, इसमें मैं दिखाता हूँ। तो क्लाइंट जो दिया है वो कैसे देता है, कस्टमर मास्टर डेटा डेटा टेम्पलेट। नहीं, ये तो हम लोग जो CRD 1 CRD 2 भी डाला था उसका टेम्पलेट, जो वेंडर हमने बनाया था उसका मास्टर डेटा का टेम्पलेट है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए कस्टमर का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैसे देता है, हमें वो दिखाता हूँ आपको। ये है हमारा जो हम लोग कॉपी ऑफ द ओपनिंग बैलेंस टेम्पलेट, जो हम लोग टेम्पलेट शेयर करते हैं वो टेम्पलेट ही यहाँ पे, ये वेंडर का है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कस्टमर ओपनिंग बैलेंस टेम्पलेट यहाँ पे है, तो इसी तरह से वो हमें भर के देंगे, जैसे हम देते हैं बना के उसी तरह से वो भर के देते हैं। तो हम इसको खोलते हैं, कस्टमर का ओपन करते हैं। ये देखिए जो मैंने शेयर किया था, ये इस तरह से मैंने शेयर किया था, उसने हमें ये बैलेंस दिया, ठीक है। जो हमें बैलेंस दिया है वो ये दिया है, हमने क्रेडिट डेबिट करके दिया था, इसमें कंसोलिडेटेड बना हुआ है ये बैलेंस डालनी है, तो ये हमने बना रखा है पहले से। उसने क्रेडिट साइड डेबिट साइड बांध के दिया, डाल के दिया, ये बैलेंस देखिए ये बैलेंस है। ये क्या है एक्चुअल में, ये जो बैलेंस है ये है आपका डेबिट माइनस क्रेडिट। जब भी आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो डेबिट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्रेडिट क्या होगा, वो निगेटिव होगा, ठीक है, जब ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। तो ये मैंने कंसोलिडेटेड जो बनाया वो है, मैं आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअल जो देखते हैं, ये भी मैंने कंसोलिडेटेड बनाया है वो है, क्लाइंट का दिया हुआ नहीं है। ये आपका स्टॉक बैलेंस है, ये ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमें बैलेंस मिलता है। ये एक्चुअल बैलेंस है, ये जो उन्होंने बैलेंस दिया है, नहीं ये भी ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस हमने निकाला है वो है। ये देखिए ये क्रेडिट डेबिट किस साइड में दिख रहा है, बाद में जब अपडेट हुआ है, ये हमारा हाँ ये है, ये कस्टमर बैलेंस, इसमें इसी सीट में। ये देखिए ये हमें क्लाइंट देता है इस तरह से, देखिए डेबिट बैलेंस दिया, ये क्रेडिट बैलेंस दिया, और इसको हम बनाते हैं। हमने इसी तरह से टेम्पलेट जो अभी आपको दिखाया वो टेम्पलेट इसी तरह से रहता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो है ये क्या है आपका, दिस वन माइनस दिस वन क्या है, डेबिट माइनस क्रेडिट, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगा, डेबिट होगा पॉजिटिव, क्रेडिट हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। इसको निकालेंगे और इसको कॉपी करके हम इसमें क्या करेंगे, इसको कॉपी किया, ये हमने कर लिया। अब इसको जितने भी हमारे कस्टमर है वहाँ से इसको कॉपी करके डायरेक्ट, ठीक है, हमारा जो टेम्पलेट हमने निकाला है उसमें बैलेंस हमें अपडेट करना है, क्योंकि ये कस्टमर उसमें, तो मैं इसी बैलेंस को डायरेक्ट वहाँ पे डाल रहा हूँ, या फिर मैं आपको एज इट इज ले चलता हूँ, इसी बैलेंस को डालता हूँ वहाँ पे, और आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग
डालते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो ये मैंने कस्टमर जो है उसके उठा लिए, हालांकि जो मैं डालने जा रहा हूँ वो उसका कस्टमर नहीं है, ठीक है, बट बैलेंस तो हमें कुछ चाहिए ना डालने के लिए, इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। तो ये हो गया आपका क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस। लेकिन आपने जो अभी देखा उसमें क्या था कि ये डेबिट है और ये डेबिट बैलेंस पहले होता है और बाद में होता है क्रेडिट बैलेंस, ये है आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता, अच्छा हट गया ये, मैंने इसको कॉपी किया पेस्ट किया और यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दिया, जो बैलेंस था इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा नीचे में कुछ बैलेंस नहीं, तो मैं फिर से इसको इतना कॉपी कर लेता हूँ, इसी बैलेंस को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कैसे मैं इसे बना रहा हूँ। ये हो गया, अब टोटल बैलेंस इसमें आ गया। अब करना क्या है अपने को, जब बैलेंस हमें डालने हैं तो आप देखेंगे जो टेम्पलेट जो हमारा इसमें जो सेप में जो बैलेंस जाएगा, एक ही ओबी बैलेंस जाएगा, जो आप ये देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, सिर्फ इसी में बैलेंस जाएगा और किसी में नहीं जाना है, ठीक है। अगर फॉरेन करेंसी में होगा तो अपने आप ये एक्सचेंज रेट के अनुसार से वो कन्वर्ट करके लेके आएगा, लेकिन इसमें लोकल करेंसी में ही बैलेंस जाएगा, एक ही बैलेंस जाएगा, क्रेडिट डेबिट तो जाएगा नहीं, यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है आपको क्रेडिट डेबिट, तो ओबी में क्या आएगा, तो ओबी में जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, ओबी ये है आपका ओबी बैलेंस, ये बैलेंस हमें चाहिए, अगर हमें ओपनिंग डालनी है, ओपनिंग बैलेंस डालनी है तो ओबी एलसी हमें चाहिए, ठीक है। ओबी एलसी के लिए क्या होगा, ओबी एलसी ये आया, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, दिस वन इक्वल टू डेबिट हमेशा पॉजिटिव, दिस वन माइनस क्या हो जाएगा क्रेडिट दिस वन, ठीक है। इसको एंटर किया, ये देखिए ये बैलेंस आ गया, अब हम इसको सेलेक्ट कर लिए, स्लो चल रहा है सिस्टम के लिए। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या मैंने बना रखा है, ये है हमारा ओबी वाले, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कैसे बनाया वो आपको दिख गया, हमने फार्मूला लगाया और उसके बाद ऐसे ये बैलेंस उठ के आ गया, इसको कॉपी करके हम क्या करेंगे, ये जो सीट है इसमें डाल देते हैं ओबी बैलेंस, ये ओबी बैलेंस, हाँ ये आ गया, देखिए इसको जैसे ही मैं करूँगा ये हमारा ओबी बैलेंस निकल के आ गया, ठीक है, डेबिट माइनस क्रेडिट, अब ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब सिस्टमेटिकली जैसे हमारा सैप में है उसी तरह से सिस्टमेटिकली इसमें बैलेंस है, यहाँ पे हमें कॉपी करके पेस्ट करनी है, देखिए ए बी सी डी कस्टमर है इतने नंबर पे, यहाँ पे देखिए तो ये क्या है कोमा, ये आपका कोमर सोर्सिंग लिमिटेड है, तो आप ये सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में हमें बैलेंस डाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये बना लिया सीक्वेंसिंग, अब इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे सेट में, और सेट में आने के बाद ये स्टार्टिंग पे इसको ऊपर कर लीजिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में है, यहाँ से आप क्या करेंगे बैलेंस को डालेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, ये आपका पेस्ट हो जाएगा, इसको क्या हो गया, अच्छा ठीक है समझ गया, यहाँ पे अकाउंट नहीं है, ओपनिंग बैलेंस अकाउंट हमें लेना है। ये ओपनिंग बैलेंस अकाउंट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं लाइब्रेरी में एक ऐसा अकाउंट बना देते हैं जो क्या होता है हमें ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने में सपोर्टिंग का काम करता है। अल्टीमेटली क्या होता है, अकाउंट या तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, जब एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा, ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। अगर आपके पास क्रेडिट और डेबिट पैरेलली नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा आपका अकाउंटिंग नहीं चलेगा,
दोनों क्या होना चाहिए, क्रेडिट और डेबिट साथ में, जितना से क्रेडिट होगा उतना ही से क्या होगा, डेबिट होगा। अब सपोज दैट हम अभी डेटर अकाउंट बना, जो हमारा कस्टमर है डेटर है, तो उसमें हम बैलेंस चढ़ा रहे हैं, तो सबका सब क्या है, डेबिट अमाउंट है, तो क्रेडिट कौन होगा। तो यहाँ पे हम ये एक आपका क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते, ऑफसेट अकाउंट। हाँ, ये एक यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट अकाउंट बनाते हैं। ये ऑफसेट अकाउंट हम यूज करते हैं किसके लिए, ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के लिए। और जब ओपनिंग बैलेंस 100% चढ़ जाएगा तो ये ऑफसेट अकाउंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, जो हमारा ओपनिंग अकाउंट। हम इसमें किसी सेक्शन में बना लेते हैं, करंट लाइबिलिटी या टैक्स डिडक्टेड प्रोविजन या अदर्स करके कोई सेक्शन बनाओ, उसमें हम बना लेते हैं ओपनिंग। इलेक्ट्रिसिटी सैलरी डेटर इसी में हम बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस करके यहाँ पे कोई हम बना लेते हैं ओपनिंग अकाउंट बैलेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल ए करते हैं, क्योंकि इसके अंडर में बनाना है, आपको याद होगा जैसे कैसे हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते थे, ये क्या बन जाएगा हमारा एल डैश सी एल डैश ई ई पी, ठीक है, एंड डैश 002, और इसको लिख लेते हैं हम ओपनिंग बैलेंस अकाउंट। ठीक है, तो अब इसको हम अपडेट कर देते हैं, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस अकाउंट बन गया। अब देखिए ये अब यहाँ पे जो भी हम ओबी बैलेंस डालेंगे, तो यहाँ पे आप अगर से आ जाइए सीट पे आइए, तो देखिए सीट पे अगर देखेंगे तो इसी कंसोल वैल्यू को अगर देखा जाए, टोटल वैल्यू अगर हम इसको एडिशन निकालें, तो देखिए इसमें क्रिएटर आप यहाँ पे देखिए ज्यादातर डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट क्या है, माइनर बैलेंस है, बस एक ही बैलेंस है। ठीक है, एक या दो आपको एक यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है जो निगेटिव वाला है, क्रेडिट वाला। तो अगर ओवरऑल आप इसका निकाले बैलेंस अगर देखेंगे, तो ये अकाउंट क्या होगा, इसको मैं एडिशन लगा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए दिस मच अमाउंट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, इसमें होम में आया, ऑटो सम कर देता हूँ। ठीक है, ऑटो सम किया, देखिए इसकी समेशन निकल के क्या आया, दिस मच अमाउंट से क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है, सारा का सारा अमाउंट जो है डेबिट हो रहा है। अब ये यहाँ पे अगर ये बैलेंस डालने पर डेबिट हो रहा है, तो कोई अकाउंट क्रेडिट तो होना चाहिए, तो इतना ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ओपनिंग अकाउंट बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। अब रही बात कि क्या इसमें बैलेंस क्रेडिट ये स्टैंडिंग रहेगा, इसका क्या फिर इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो हम जब वेंडर का बैलेंस डालेंगे, तो वेंडर क्या होगा हमारा, क्रेडिटर होगा, उसमें मोस्टली पार्ट क्या होंगे, जैसे इसमें डेबिट पार्ट होगा, उसमें क्या होगा, क्रेडिट पार्ट होंगे। तो वहां पे कुछ बैलेंस हो सकता है कि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो जाए, तो इसमें क्रेडिट आपको ज्यादा दे, तो वो इस केस में क्या होगा, यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो वहां पे वो डेबिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से सरप्लस जब सारे स्टॉक बैलेंस सब कुछ आप डाल देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, जो ओपनिंग बैलेंस अकाउंट, जो ऑफसेट अकाउंट है, वो जीरो होनी चाहिए। फाइनली जब सारे आपके चार्ट ऑफ अकाउंट, जितने भी जीएल अकाउंट है, सबका बैलेंस चढ़ जाएगा, कस्टमर का बैलेंस चढ़ जाएगा, वेंडर का बैलेंस चढ़ जाएगा, स्टॉक बैलेंस, एवरीथिंग, अगर आप फाइनली जब चढ़ा दिया कि आज हमारा ओपनिंग बैलेंस फाइनल होने को है, तो उस समय क्या होना चाहिए, अगर कस्टमर ने आपको प्रॉपरली ट्रायल बैलेंस मैच करा के दिया, ट्रायल बैलेंस मैच कराने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी जीएल अकाउंट हेड है, सबका क्रेडिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेबिट बैलेंस होना चाहिए, तभी वो ट्रायल मैच कहलाता है। अगर क्रेडिट और डेबिट मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अकाउंट का बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। अगर हमें क्लाइंट ये ट्रायल बैलेंस मैच करा के देगा, अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो आप क्लाइंट को इन्फॉर्म करेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करना कर रहा है, क्या इस सिचुएशन में हमें डालनी है बैलेंस, अगर वो बोलता है कि हाँ डाल दो, तभी आप डालेंगे, अदरवाइज मत डालिए, क्योंकि वो गलत तरीका है। ठीक है, तो आप उससे बोलेंगे कि भाई मेरे को ट्रायल बैलेंस मैच करा के दो, तभी मैं डालूंगा, अदरवाइज ये गलती होगी, ये सारे चीजें इसमें प्रॉब्लम है, ट्रायल बैलेंस आपके मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपको ट्रायल बैलेंस मैच करा के देगा, तो ही आप बैलेंस डालने का कोशिश कीजिए, अदरवाइज क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस अकाउंट में वो अकाउंट स्टैंडिंग रहेगा, बैलेंस स्टैंडिंग रहेगा, जो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब रही बात इसका डालने का, कस्टमर का, तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे।
जो भी बैलेंस हमने पेस्ट किया, आप देखिए ये क्या है, ये फॉरेन करेंसी में, तो ये हमसे क्या मांग रहा है, एक्सचेंज रेट मांग रहा है कितना का। तो मैंने डाल दिया कि आज का एक्सचेंज रेट 82 रुपीज है, यूएसडी में है। इसमें क्या है, कुछ फॉरेन जो हमारा कस्टमर है वो क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट का कस्टमर है, इसीलिए इसने यूएसडी मांगा, तो मैंने डाल दिया। अब ये बैलेंस अपने आप यूएसडी में कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी में ये दे देगा, जिसे एक्सचेंज रेट पे आपने डाला। तो सारे बैलेंस आ गए। इसको डालने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे, डेट चेक कर लेंगे कितना तारीख का ओपनिंग बैलेंस डल रहा है, 1 तारीख का, तो वो 1 तारीख सारे देख लेंगे कि सही है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे बिजनेस पार्टनर ओपनिंग बैलेंस एज ऑन, सॉरी बिजनेस पार्टनर की जगह पर कर दीजिए कस्टमर, क्योंकि हमारा ये कौन है, कस्टमर है, ठीक है, ओनली कस्टमर का हम बैलेंस डाल रहे हैं। तो यहाँ पे डालेंगे कस्टमर, अच्छा ये चीजें हैं सुकून से काम करने वाला, धरफरी में मत कीजिएगा, कस्टमर ओपनिंग बैलेंस, ये सेशन में ये चीजें मैंने किसी सेशन में नहीं बताया है, इस तरह से ओपनिंग बैलेंस का दूसरे तरीके से बताया, जनरल एंट्री के थ्रू डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तरीका भी अच्छा है, इससे आप डालिए तो ज्यादा मैंने की मिस्टेक होने की इसमें चांसेस कम है। तो कस्टमर ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल, तो जब भी इस चीज को, इस ट्रांजेक्शन को देखेगा तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये बैलेंस किस चीज का। इतना करने के बाद आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो सारे कस्टमर के बैलेंस क्या हो जाएंगे आपके, चल जाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बताइए किसी को कुछ प्रॉब्लम। फिरोज, श्वेता, देवेंदर, हाँ सर, हाँ बताइए। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस हम अपलोड कर रहे हैं तो बैक एंड में कौन सी जर्नल एंट्रीज क्रिएट हो जाती है, मतलब डेबिट क्या होता है फिर क्रेडिट क्या हाँ होता है? एक्चुअली डेबिट क्या होगा, आपका कस्टमर जो है, कस्टमर क्या है, कस्टमर मतलब सैंडरी हाँ, डेटर, कस्टमर सैंडरी डेबिट, सैंडरी या डेटर, सैंडरी डेटर, तो सैंडरी डेटर जो होगा अकाउंट, वो आपका डेबिट हो रहा है, और ओपनिंग बैलेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, ओके, ठीक है, तो हाँ ओके, ये तो चल रहा है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा हाँ और क्रेडिट होगा, वेंडर का ऑपोजिट होगा इसका वेंडर का मतलब। अपोजिट होगा, वेंडर क्या हो जाएगा, वेंडर के हाँ, केस में आपका डेबिट सैंडरी क्रेटर, ओपनिंग बैलेंस, सैंडरी क्रेटर जो हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस वहां पे डेबिट हो जाएगा, हाँ तो ऑलरेडी इसमें क्रेडिट बैलेंस पड़ा तो, रहेगा तो वो सरप्लस करेगा उसको ध्यान से, हाँ ठीक है। जी सर, ओके 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 सर। श्वेता, तुम्हारा कोई क्वेश्चन, देवेंद्र, देवेंद्र अकाउंट बैकग्राउंड से, नो हाँ देवेंद्र सर, समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर, क्योंकि आप ही का बैकग्राउंड का चीजें है ये, अकाउंटिंग से ही है ये सब चीजें, अब जो जितना भी ट्रांजेक्शन होंगे अब आप ही के बैकग्राउंड से अकाउंटिंग पैरामीटर ही चलेंगे सारे, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे फिरोज ने पूछा, ओके अच्छा ठीक, क्वेश्चन पूछा था, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने कस्टमर का डाला उसी तरह से क्या करेंगे हम, वेंडर का भी डालेंगे, तो फिर हम चलेंगे उसी पे, ओपनिंग बैलेंस पे जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस जो बिजनेस पार्टनर का था उस पे आएंगे। तो ये हमारा कहाँ है, जीएल अकाउंट है, ओपनिंग कहाँ गया यार, ये है बिजनेस पार्टनर ओपनिंग बैलेंस। अच्छा मॉड्यूल में जाना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो अपने आप देखेगा, मेन मेनू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इनिशियलाइजेशन में है ये ओपनिंग बैलेंस, तो आप इसमें आ जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इनिशियलाइजेशन, और इसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस होगा कहीं पे, इसमें डॉक्यूमेंट नंबरिंग, जनरल सेटिंग है क्या, सर नहीं, नीचे से हाँ सेकेंड, हाँ इसी में था ये ओपनिंग बैलेंस, यहाँ ये ठीक है, इस पे आइए, और इसी ओपनिंग बैलेंस में आपको जीएल का भी मिलेगा, बिजनेस पार्टनर का, फिर बिजनेस पार्टनर को ओपन कीजिए। अब हमने क्या किया, कस्टमर का डाल दिया, कस्टमर को नन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कर दिया नन, अब हम कर लेंगे वेंडर को, वेंडर को ओपन कर लेंगे, ऑल कर लेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ब्रांच सिलेक्ट कर लेंगे,
जी, अगर सपोज मल्टी ब्रांच है तो किसी पार्टिकुलर ब्रांच का, एक ही ब्रांच का तो उठाएंगे आप, ठीक है, तो एट ए टाइम पे एक ही ब्रांच का आप इसको ओके करेंगे, तो उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, वेंडर का लिस्ट ओपन हो के आ जाएगा। ये हमारा वेंडर का लिस्ट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी टेबल कर लेंगे। कॉपी टेबल करने के बाद अब इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी तो जरूरत है नहीं, इसका तो काम हो गया। यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम एक शीट ओपन कर लेते हैं एक्सेल में, फिर इनका वेंडर हम ओपन करेंगे और वहां से बैलेंस उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सेल में ओपन करता हूँ, कई ऐसे क्लाइंट होते हैं कि आपको ज्यादातर क्लाइंट अकाउंटिंग में काम करने वाले उनके जितने भी लोग होते हैं उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती है, काफी दिनों से काम कर रहे होते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होती है। आप ट्रायल बैलेंस मैच कराने को बोलेंगे दीजिए वो नहीं देंगे आपको, तो उस केस में क्या करना है, क्या हम ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे तो हमारा तो होगा नहीं, तो आप उससे रिटर्न में ले लीजिए, जो भी आपका डिफरेंसेज होंगे वो कहाँ पे रहेगा, ओपनिंग बैलेंस अकाउंट में पड़ा रहेगा। कल को मेरे से ये मत पूछ लेना इसमें बैलेंस कहाँ से आ गया, इसमें तुम्हारे जो कुकर्म के बैलेंस है वही पड़े हुए हैं, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुमने ट्रायल बैलेंस मैच करा के नहीं दिए हैं, उस वजह से इसमें बैलेंस पड़े हैं, आपको ये चीजें करके देनी थी, तो आप उससे कंफर्मेशन लेके ही बैलेंस डालेंगे, अदरवाइज इसमें बैलेंस तब तक होल्ड पे रखिए जब तक कि वो मैच करा के नहीं देता है, नहीं तो अल्टीमेटली वो उल्टा आप ही से क्वेश्चन पूछेगा, और अकाउंट में बूढ़े बूढ़े लोग बैठे होते हैं उनको पता नहीं होता लेकिन परेशान आप ही हो करें, तो सबसे पहले उससे कंफर्मेशन ले लीजिएगा, या तो मेरे को क्या करो डेबिट बैलेंस सॉरी ट्रायल बैलेंस मैच करा के दो, अदरवाइज फिर मेरे को कंफर्मेशन दे कि नहीं मैच है तो भी आप बैलेंस डाल दो, जो डिफरेंसेज होंगे वो ओपनिंग बैलेंस में रहेंगे। उसी तरह से देखिए मैंने डेबिट क्रेडिट बना के दे दिया, अब क्या करेंगे हम डेबिट क्रेडिट बैलेंस वेंडर का उठाएंगे, तो हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद अब मैं फिर से सीट खोल लेता हूँ आपका वेंडर का बैलेंस का, जो आपको दिखा रहा था ये है हमारा वेंडर का बैलेंस, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये कस्टमर वाली है, ये हमारा देखिए वेंडर, ये है काफी वेंडर है इनके, तो ये है वेंडर, ये एक्चुअल में किसी क्लाइंट का डेटा है, ठीक है, हालांकि मैं इसे ब्लर कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग को तो पर्सनली जाएगा जब कभी यूट्यूब पे पड़ेगा ये बैलेंस, ब्लर करके एक्चुअली मैं ऐसे नहीं डाल सकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, ओनली क्रेडिट बैलेंस दिया है और डेबिट बैलेंस उसका जीरो जा रहा है, कहीं नहीं है बैलेंस, मैंने बोला था ना, क्यों, क्योंकि ये क्रिएटर है, क्रिएटर मतलब कि इसको बैलेंस हमें पेमेंट करनी, कहीं रेयर रेयर में होगा, कहीं पे उसने अगर डेबिट नोट बनाया होगा तो होगा, अदरवाइज सारे के सारे क्या है क्रेडिट बैलेंस ही है, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके ले चलता हूँ वहां पे जो आपका सीट है उसमें, मैंने इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी, पहले हम लोग इस तरह से देखिए कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको बैलेंस को चेक करते हैं, इसका क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस क्या रहा है, तो टोटल जीएल अकाउंट में डाल के फिर उसको मैच कराते हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारा बहुत सारे इसमें एक्सरसाइज करके तब ओपनिंग बैलेंस डालना होता है, जितना इजी लग रहा है आपको उतना इजी होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर इसमें चेक करने पड़ते हैं, ये सही है नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पहले तो मुझे भी नहीं पता था, जब काम करने लगा धीरे धीरे तब नॉलेज हुआ, ये अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो आपको अगर नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो होता है इम्प्लीमेंटेशन में जो अकाउंट वाले होते हैं वही परेशान करते हैं, आप सोचोगे कि अब इम्प्लीमेंटेशन हो गया ये हो गया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान जो करेंगे अकाउंट वाले ही करेंगे, और वो कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ठीक है, तो इसीलिए अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, अपना नॉलेज बढ़ाओगे तो ही आप उनको डिफेंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्या हो गया यार इसको बारे में आके बताओ, फोटो खींच के ले कंट्रोल, हमें तो सिर्फ बैलेंस चाहिए। अच्छा ये ओवी वैलेंस है यहाँ से, ये तो हमारा कस्टमर वाला, ये तो जरूरत नहीं है, कस्टमर तो डला गया, ये हमें चाहिए, ठीक है, ये हमें चाहिए, नीचे का फील्ड नहीं चाहिए, बस ऊपर का ही चाहिए, इसको मैं यहाँ से अनसेलेक्ट किया, यहाँ से किया, ठीक है, इसको भी मैंने उसी तरह से बनाया जो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें क्या है आपका
डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्रेडिट इज ऑलवेज निगेटिव। तो हम यहाँ से ऐसे डेटा बैलेंस उठा लेते हैं इसको, देख रहे हैं इसमें रेड ब्लू पीला सब क्या हुआ है, सब में कुछ कमी था इसी वजह से इसको कर रखा है। तो यहाँ पे आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करना सो कैन नॉट पेस्ट द डेटा, पागल करते हैं इसको। ट्विटर पे कुछ लगा लिया, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बैलेंस देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा रखा है E2 माइनस F2, ये है आपका E2 डेबिट बैलेंस माइनस ये, तो ये हमारा क्या गया OB बैलेंस। तो मैं OB बैलेंस ही डाल देता हूँ उसमें डायरेक्ट, मैं डाल दूंगा और इसी को डाल के मैं चला दूंगा उसमें, लेकिन कॉपी क्यों ना रहा ये समझ लूंगा। यहाँ पे आया OB बैलेंस में बैलेंस डालता हूँ, ठीक है कंट्रोल वी पे आया, लेकिन आना चाहिए था पता नहीं क्या कहानी। ठीक है तो ये जो बैलेंस है हमें यही बैलेंस डालना है इसको, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, इसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस दे रखा होगा, हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे कि डेबिट माइनस क्रेडिट, देखिए जितने भी बैलेंस है सारे मोस्टली क्या है आपके निगेटिव में। मैं यहाँ से कुछ बैलेंस, ये तो मैंने आपको फॉल्स कुछ बैलेंस ऐसे डाल कर दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में जो क्लाइंट देगा हमें वही अपलोड करना होता है। ये तो मैं कहीं से कुछ भी उठा के आपको इसमें डाल के बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको क्लाइंट देंगे डेटा, क्लाइंट देंगे डेटा, उसी डेटा को आपको डालना है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ये जो ओबी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करके वहाँ पे क्या करना है, ओनली पेस्ट कर देना है, ठीक है। उससे पहले क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस अकाउंट को सिलेक्ट करना कीजिए, आपने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने ओपनिंग बैलेंस अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे मैंने उठाया ओपनिंग ओपी, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस अकाउंट अभी बनाया था, यहाँ देखिए यहाँ पे निगेटिव में क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है ना, इतना हमने चढ़ाया था ये क्रेडिट हो रखा है। अब यहाँ पे हम इसको डेबिट बैलेंस इसमें ये डालेंगे, तो ये सारे क्या है क्रेडिट बैलेंस है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो हमारा क्रेडिटर जो है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट होगा, तो अब हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा डेबिट होगा, क्योंकि पैरेलल में जब तक क्रेडिट डेबिट चलेगा नहीं तब तक अकाउंटिंग पैरामीटर चलेगा ही नहीं। तो जितना भी टोटल अमाउंट ये होगा वो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस में उतना से डेबिट हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, ये डालना मत भूलिएगा कभी भी, रेफरेंस आपको डालना है कि वेंडर, यहाँ पे डालेंगे वेंडर, वेंडर्स ओपनिंग बैलेंस एज ऑन क्या जीरो सॉरी फर्स्ट अप्रैल 2023। इतना करने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें बैलेंस आपका चल जाएगा। तो अभी हमने कस्टमर वेंडर के डाल दिए, फिर जीएल अकाउंट के डालेंगे। अब जीएल अकाउंट का बैलेंस डालने के इसी तरह से हम सारे जीएल अकाउंट को निकालेंगे एक्सेल में, और उसके जो बैलेंस कस्टमर ने हमें दे रखा उस बैलेंस को उसके सामने में लाके रख देंगे, फिर वहां से कॉपी करके हम उसमें क्या कर देंगे, जैसे इसको पेस्ट कर रहे हैं वैसे ही पेस्ट कर देंगे, और ओपनिंग बैलेंस को हम ले लेंगे साथ में। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा वहां पे आपका क्या बोलते हैं उसका ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है, और आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। तो ये देखिए वेंडर का भी डल गया, आपका कस्टमर का। अब मैं कोई भी एक वेंडर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ उसके बैलेंस है या नहीं, ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। कुछ वेंडर है कुछ कस्टमर आपको चेक कराए, तो या बिजनेस पार्टनर पे आएंगे, यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसका बैलेंस चेक करता हूँ कि जो मैंने बैलेंस डाले हैं वो हैं या नहीं है। ये देखिए ये बैलेंस आ गया वेंडर पे, ये
ये जो बैलेंस आप देख रहे हैं हमारा क्या था, ये क्रिएटर था, ये हमारा कौन है, वेंडर क्रिएटर है, तो इसके निगेटिव में बैलेंस है। निगेटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जरा कस्टमर को चेक कीजिए, कस्टमर पे क्या होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा। क्यों, ये कस्टमर हमारा क्या होता है, डेटर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंडिंग किए, फाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे कस्टमर डाल लेते हैं। कस्टमर डालने के बाद चेक कीजिए, तो ये देखिए कस्टमर का, ये वेंडर आ गया, कस्टमर हमें चाहिए। ओके, मैं कंट्रोल एफ किया, यहाँ पे स्टार लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर वन ले लीजिए, सारे कस्टमर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जिसके भी देखिए, सारे के बैलेंस क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये सब क्या है, डेटर है। तो डेटर क्या होता है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कस्टमर वेंडर का हम बैलेंस डालते हैं। अब किसका डालेंगे, अब डालेंगे जीएल अकाउंट का। तो जीएल अकाउंट का मैं तरीका बताता हूँ, मैं डालूंगा नहीं बैलेंस, ठीक है, इसी तरह से डलाएगा, ठीक है। करना क्या है, आप यहाँ आइए, सिस्टम इनिशियलाइजेशन में आइए, इसमें आने के बाद ओपनिंग बैलेंस सेक्शन में आ जाइए। ओपनिंग बैलेंस सेक्शन में जीएल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, देखिए यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद अब ये पूछ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस जो डलेगा किसका किसका होगा। तो देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इसका बैलेंस नहीं डलता, ठीक है। क्या आपने क्या अर्न किया, क्या आपने एक्सपेंसेस किए, वो तो लास्ट सेशन में क्लोज हो जाता है। इसमें जो बैलेंस डलते हैं किसके, एसेट्स लायबिलिटी एंड इक्विटी के डलते हैं। तो यही तीन सेक्शन आपको लेने हैं, आप पूरा सेक्शन नहीं उठाएंगे, क्लियर है। क्यों, क्योंकि बैलेंस एक्चुअल में होता किसका है, जो किसी कंपनी का होगा, एसेट्स लायबिलिटी एंड इक्विटी होता है, कभी भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वो खत्म हो चुका है लास्ट सेशन, वो आपने उस पार्टिकुलर सेशन में खर्चे किए, जो भी किए, जो भी आपने रेवेन्यू कमाया वो हो गया, ठीक है, और वो आपका हो गया। तो आप इसी तीन सेक्शन का सिलेक्ट करेंगे और ये आ जाएगा सेम उसी तरह से, जैसे आप वेंडर कस्टमर का डालें उसी तरह से। अब इसमें जिस अकाउंट के सामने जितना बैलेंस होगा, हम इसको पैचअप करा देंगे बैलेंस के साथ, यहाँ पे कि इस अकाउंट के सामने में जितना होगा, ये बैंक अकाउंट है, जितना अमाउंट होगा वहां डाल देंगे कंट्रोल सी करके, और सारे अकाउंट हमारे सारे बैलेंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा फिर इसका बैलेंस डल जाएगा, ठीक है। एक कोई लमसम अमाउंट मैं उठा के आपको डाल के दिखा देता हूँ कि क्या होगा बैलेंस। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्राई, ये जो जीएल अकाउंट होंगे, इसमें देखिए स्टॉक अकाउंट भी होंगे, सारे अकाउंट होंगे इसमें, देखिए रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट, पैकिंग मटेरियल स्टॉक है, कंज्यूमेबल डीजल स्टॉक। तो सारे को जो आप क्रेडिट और डेबिट करेंगे, तो फाइनली क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तभी आपका क्या कहलाएगा, जो ट्रायल मैच है। कहने का मतलब ये है कि इस अकाउंट में सपोज दैट ये डेबिट हो गया, ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया, कोई अकाउंट इसमें 50 अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, और इसमें से कुछ अकाउंट 10 अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो जो डेबिट बैलेंस होगा शुड बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस अल्टीमेटली होनी ही चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो। मैंने देखिए, ये अभी जो मैंने बैलेंस डाले थे सैलरी डेटर, ये इस पे आ गया, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये देखिए सैलरी डेटर एक्सपोर्ट इस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और एक होगा कस्टमर जो हम लोग उसमें वेंडर का डाले क्रेडिटर, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये देखिए ऑलरेडी क्या है, इसका जो जीएल अकाउंट है, ये जीएल अकाउंट है, ये देखिए यहाँ पे क्रेडिटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये कंट्रोल अकाउंट है किसका, ये कंट्रोल अकाउंट हो गया वेंडर के लिए, और ये जो ऊपर वाला अकाउंट था डेटर, ये है किसके लिए, कस्टमर के, ठीक है। तो सिर्फ इस दोनों में जो आपका क्रेडिटर और डेटर अकाउंट बैलेंस है उसमें बैलेंस नहीं डलेगा, बाकी सभी में बैलेंस इसमें डलेंगे, ये दोनों में बैलेंस नहीं डलेगा, क्योंकि ये इसमें बैलेंस कहाँ से आएगा, कस्टमर और वेंडर का जो बैलेंस डला है उससे आएगा, क्लियर है। या कोई डाउट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नो है, अगर आप, डाउट ठीक है, आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अगर गलती कर दिया आपने तो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन फेल। ओपनिंग बैलेंस आप डाल रहे हैं, अगर ओपनिंग बैलेंस आपने गलत डाल दिया, पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको समझिएगा, अच्छे तरह से समझिएगा क्या होता है ओपनिंग बैलेंस, क्यों हम लोग डालते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझना होगा, नहीं तो सारा हो जाएगा गड़बड़। अब यहाँ पे देखिए जीएल ओपनिंग बैलेंस है, तो जीएल ओपनिंग बैलेंस में अभी शीट खोल लेता हूँ, और इसके जो बैलेंस होंगे उसको मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए उसने दे रखा है हमें, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है तो उसके ये बैलेंस दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं अभी बोल रहा था डेबिट बैलेंस दिया, कुछ अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो जो भी उसने बैलेंस दिए है वो इस तरह से हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो एक ब्रांच का ये बैलेंस है, ठीक है, फिर दूसरे ब्रांच का दे रखा है, दूसरे ब्रांच का ये बैलेंस दे रखा है, तो ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा,
उसकी वजह से ये बैलेंस काफी दिन तक पड़ा हुआ था, ये ट्रायल बैलेंस इनका मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें कहाँ डालना है, ओबी में डालना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ये डन डन जो कर रखा है इसको हटा देते हैं और इसी में फॉर्मूला लगा देते हैं। ओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओबी इक्वल टू हो जाएगा डेबिट माइनस क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, और यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, दिस वन इज इक्वल टू, ठीक है, कि डेबिट माइनस क्रेडिट। क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, ठीक है, इसको आप इनेबल कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसी फॉर्मूला को कंटिन्यू कर दीजिए नीचे तक। अब इस बैलेंस को हमें कहाँ डालना है, इन सारे जीएल अकाउंट के सामने में पैचअप कर देना, ठीक है। ये जो बैलेंस है, अब ये कहाँ से मैंने स्टार्ट किया ये जरा ध्यान दीजिए, ये मैंने स्टार्ट किया बिल्डिंग से, ऊपर वाले में क्या है, ये जीरो जीरो बैलेंस है, इन सबको जीरो जीरो डालना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपको, या फिर आप यही फार्मूला लगा लीजिए, सेम फार्मूला जो चल रहा है, क्या कि डेबिट माइनस क्रेडिट शो कर दिया, ठीक है। अब आप इसको ड्रैग डाउन कर दीजिए, और इसको कॉपी करके फिर क्या करेंगे, वहाँ पे हम डाल देंगे। तो अब इसको कॉपी किया मैंने टोटल जीएल अकाउंट को, ये था, और ये देखेंगे तो ट्रायल कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि इनके यहाँ गधे का अकाउंट भरे हुए हैं, ठीक है, और वो 10 बार में फिर मिला उला के कहीं से इधर उधर करके बाद में नहीं दिया, ठीक है, तब जाके मैच किया। ये इनिशियल फेज का है जो उन्होंने दिया था, पैसा हमने कॉपी किया। फिर कॉपी करने के बाद ये, लेकिन आपको अभी मैं बोल रहा हूँ, जब भी अगर नहीं मैच करे आप मना कर दीजिए बैलेंस डालने, या आप मेरे को हायर अथॉरिटी का परमिशन दिलाओ तभी मैं डालूंगा, अदरवाइज नहीं डालूंगा, तो गलत तरीका है अगर वो मैच नहीं करे। तो ये मैंने डाला, फिर यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, अभी जीएल अकाउंट के सामने ये बैलेंस हमारा रिफ्लेक्ट होने लगे। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, ईजी काम होगा इसमें और आप इजीली कर पाए। कहीं कहीं पे क्या दिक्कत होगा, जो फॉरेन करेंसी में हो रहा है, एक्सपोर्ट वाला जो है या इंपोर्ट वाला, उस केस में दिक्कत होगा। तो आप क्या कीजिए, जब भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का होगा तो जनरल एंट्री के थ्रू बैलेंस डालिएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि आपने डाल दिया 82 रुपीज का एक्सचेंज रेट डाल दिया आज का डेट में जो है, ठीक है, वो आपने एक्सचेंज रेट डाल दिया, लेकिन सिस्टम पे क्या है, 82 रुपीज के बजाय कुछ और है, दो ट्रांजेक्शन है जिसमें कि 82 का एक्सचेंज रेट है, और 5 ट्रांजेक्शन है जिसमें 83 का है, 10 ट्रांजेक्शन है जिसमें क्या है 84 का है, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। यहाँ तो आपका एक ही एक्सचेंज रेट चलेगा ना इंडेक्स में आज के डेट में, तो उस केस में आपको जनरल एंट्री से डालना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल कस्टमर उठाएंगे, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए इंडिविजुअल एक्सचेंज रेट चलेगा, ठीक है, तो उस केस में आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका ऐसे है तो आप, अगर सब सही है तो इस तरह से डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देंगे, डेट चेक कर लेंगे और लिखेंगे जीएल ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 01, हम लिखेंगे 1 अप्रैल, अप्रैल 2023, ये करके अब क्या करें, इसको ऐड कर दे तो हमारा जीएल अकाउंट बैलेंस में ये चला जाए। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस मैच अभी भी ओपनिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्रायल अकाउंट आपका मैच नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कैसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, क्या तरीका होता है, क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं। हमारा क्रेडिट डेबिट मैच करना चाहिए तभी इसको ट्रायल बैलेंस मैच बोलते हैं। अगर हमारा क्रेडिट और डेबिट जीएल अकाउंट हेड का नहीं मैच कर रहा है तो वो अनबैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, उस केस में हमें बैलेंस नहीं डालनी है, ठीक है, हायर अथॉरिटी के अप्रूवल चाहिए होता है, या फिर हमें वो मैच करा के देंगे, ठीक है। जब आप ट्रायल बैलेंस डाल देंगे, जब आप ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, उसके बाद क्या होगा, सिस्टम में ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट होगा, ठीक है, तब वो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी भी मैंने स्टॉक नहीं डाली, ठीक है। अब स्टॉक डालने का क्या तरीका है, तो स्टॉक डालने के लिए स्टॉक बैलेंस इसमें नहीं पड़ेगा, जीएल अकाउंट में नहीं पड़ेगा। जैसे आपका कस्टमर विड्रॉल जब आपने डाला तब आपका क्रेडिटर और डेटर बैलेंस आया, सिमिलरली जब आप स्टॉक डालेंगे तो उसी से आपका स्टॉक बैलेंस उठ के आएगा। तो ये मैं कल बताऊंगा स्टॉक बैलेंस कैसे डालते हैं, और देन फर्दर हम लोग सेल्स साइकिल कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर? यस सर, क्लियर। चले फिर आज का सेशन ऑफ करूँ मैं। यस सर, ओके, बाय, गुड नाइट।
ओके सर, गुड नाइट नाइट, सर, बाय। बाय, गुड नाइट एवरीवन।